किसान विधेयक को लेकर जिस प्रकार देश के कई राज्यों में उग्र आंदोलन चल रहे हैं, इसकी वानगी यूपी के हरदोई में भी दिखाई दे रही है। भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों को कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ एकाएक जब कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हो गई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर आनन फानन में पहुँच के पुलिस और पीएससी के जवानों से कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। इस प्रकार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यह उग्र होते हुए आंदोलन सरकार के कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां लगातार उड़ाते नजर आ रहे हैं। कृषि विधेयक को लेकर जिस तरह पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसकी वानगी हरदोई में भी दिखाई दे रही है। हरदोई का एक कलेक्टेड पर्सन किस तरह पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है, आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर उग्र होते जा रहे हैं और पुलिस उनको नियंत्रण में करने की प्रयास कर रही है। अब देखना है कोविड-19 की रफ्तार जिस तरह से प्रदेश में बढ़ती जा रही है, हरदोई में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए इन आंदोलनों को किस तरह सरकार नियंत्रण करेगी जिसमें भीड़ भाड़ लगातार दिखाई दे रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा इन आंदोलनों के जरिए कोविड-19 की संख्या में बढ़ोतरी होगी या उनको रफ्तार थामने का काम हो पाएगा। हरदोई से न्यूज़ इंडिया के लिए आलोक मिश्रा की।